जय देव, जय माँ भवानी और जय छात धर्म। तो भाइयों, सबसे पहले तो एक वीडियो देखिए, ये करण जाट है जो कि सवाई माधोपुर इलाके में रहने वाला है। गुड्डा की बात कर रहा हूँ, शिवम मेरे सामने बहुत बच्चे और मैं गुड्डा को खुला चैलेंज देता हूँ। मैं उस समाज से जाट समाज से आता हूँ, गुड्डा की मानी दूध पाया मैं बहुत। अखा खोल के वे कन्नी दिया बचिया, तेरी भैन का यार राजपूत आया है, हुण पट ला लोड़ा जेड़ा पट सकदा है साडा। जे राजेंद्र सिंह गुड्डा को बोल रहा है कि तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि क्या तेरी माँ ने तेरे को पेशाब पिलाया था क्या? सभी की माएँ उसको दूध पिलाकर ही जन्म देती है, तू इतना बड़ा बन रहा है, जब राजेंद्र सिंह गुड्डा तेरे सामने आएंगे तो तू बीच में पेशाब कर देगा। ये वीडियो पहले किया रिएक्शन टाइम की वीडियो है, लेकिन वायरल हो रही है। तेरी गांड में इतना दम नहीं है कि तू राजपूतों से सामना कर सके। तो भाइयों, हम आपको बताने चाहते हैं कि ये है कौन। तो भाइयों, इसका नाम है करण, करण जाट है। और ये रहता कहाँ पर है? ये रहता है ज्ञानपुरा गांव है और मलिकपुर इसकी ग्राम पंचायत है। और ये किस तहसील में आता है? सवाई माधोपुर। किसके नाम से है? सवाई माधो सिंह के नाम से। महाराजा माधो सिंह कशवाहा राजपूत कशवाहा की ही शाखा शेखावत राजपूत से संबंध रखते हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा। तेरे पुरखों ने क्या किया? जहाँ तू रह रहे ये राजपूतों की जमीन है, तू तो तुझे तो दान कर रखी है। तेरे बाप दादा राजपूतों को मालिश करते थे, तो उनको ये जमीन मिली है। राज तो राजपूतों का ही था, माधोपुर सवाई माधो सिंह के नाम पर। तू राजेंद्र सिंह गुड्डा को ललकार है, सिर्फ तेरे को बोल रहा हूँ। तुमने पेशाब पीकर तुमने जन्म लिया, पेशाब पीने वाले दूध पीने वाले राजपूतों को ना ललकार। दूध पीने वाले राजपूत तेरे को कच्चा खा जाएंगे, फिर तेरे को पता लगेगा।